हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियोस में। मैं हूं विपुल और आप लोग देख रहे हैं पॉपुलर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए कमाल की खबर जो है लेके आ चुका हूं, जो कि मोटोरोला की तरफ से है। ऐसे में दोस्तों इसका ऑलरेडी जो है बहुत सारा वीडियोस तो बन ही चुका है, लेकिन दोस्तों कुछ वीडियोस में जो है फोटोज को मतलब कैमरा जो है ना उसका कंपेरिजन करके दिखाया है, तो भाई मुझे पता नहीं चल रहा है इसको कहाँ से दिमाग मिल रहा है। और दूसरी चीज भाई, इसको डिवाइस कहाँ से मिला, क्योंकि अभी तक तो लॉन्च हुआ ही नहीं और अभी तक तो इसका कुछ डिटेल्स आया ही नहीं। तो भाई जो भी वीडियोस आया है उसको देखो, इंजॉय करो, लेकिन जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो खास है, क्योंकि जो भी मुझे मिलता है लीक्स तो वो ऑफिशियल होता है। तो मैं बताया था एक दिन पहले ही, कुछ दिन पहले सोच लो, मैंने मतलब 2-3 दिन पहले मैंने बताया था रेडमी नोट 11T आने वाला है। तो ऑलरेडी भाई अमेजन पे लिस्ट हो चुका है, जाके देख सकते हो। 30 नवंबर को जो है ये फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो आप चाहो तो भाई जाके रिसर्च कर सकते हो। जो मैंने बताया है उसमें भी सेम चीज जो है देखने के लिए मिलेगा, जो कि मुझे ऑफिशियली जानकारी मिल रहा था, लेकिन इस फोन के भी ऑफिशियली जानकारी आ चुका है। शायद आपको पसंद आएगा, तो वीडियोस को एंड तक देखना। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मोटोरोला जो लॉन्च करने वाला है वो होने वाला है Moto G200। ऐसे में दोस्तों कमाल की डिवाइस है, डिवाइस जो है 5G होने वाला है और भाई इसमें जबरदस्त जो है प्रोसेसर यूज किया जाएगा। सबसे पहले चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। दोस्तों कुछ इमेजेस आया है उसको दिखा दूं। ये है कुछ इमेज जिसमें आपको पसंद आएगा। डिवाइस जो है बहुत ही हल्का और बहुत ही जबरदस्त है। डिवाइस की डिजाइन जो है वो भी पसंद आया है, कैमरा कटआउट भी पसंद आया है। लेकिन दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें डिस्प्ले जो है आपको मिलेगा 6.8 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले, जिसमें IPS LCD पैनल जो है होने वाला है। गोरिल्ला ग्लास 5 की जो है प्रोटेक्शन मिलेगा और इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश मिलेगा, मतलब रिफ्रेश रेट जो होता है वो 144 जो है रिफ्रेश रेट होने वाला है। काफी जबरदस्त है दोस्तों। फिंगरप्रिंट जो है इस बार पावर बटन में देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी सही है, फिजिकल फिंगरप्रिंट है, ऐसे में आपको पसंद आएगा। चलते हैं गोरिल्ला ग्लास की तरफ। तो ऐसे में गोरिल्ला ग्लास जो है 5 के साथ आने वाला है। डिवाइस काफी अच्छा है मैं मानता हूं, लेकिन मैं गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ आना चाहिए, क्योंकि अपडेट तो होना चाहिए। अगर अपडेट सब कुछ हो रहा है तो इसको भी अपडेट करना चाहिए, लेकिन नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं प्रोसेसर। दोस्तों मैं बता दूं जबरदस्त प्रोसेसर इसलिए बोला था क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की तरफ से 888 जो प्रोसेसर आ रहा था उसका अपडेटेड वर्जन है, मतलब स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 88 प्लस प्रोसेसर आ रहा है। मतलब सोच ही सकते हो कितना स्पीड दे सकता है। और ये तो है 8th जनरेशन का प्रोसेसर, मतलब सोच सकते हो 8th जनरेशन मतलब 8 NM पे काम करता है। ऐसे में तगड़ा प्रोसेसर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। बात करूं ग्राफिक कार्ड की, तो ऐसे में एड्रेनो की तरफ से ग्राफिक कार्ड आएगा 786, जो कि काफी खास ग्राफिक कार्ड है, गेम खेलने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं दोस्तों एंड्रॉयड के बारे में। तो ऐसे में दोस्तों एंड्रॉयड जो है 11 के साथ आएगा, अपडेट बहुत ही जल्द जो है देखने के लिए मिलेगा। अपडेट बहुत ही जल्द 11 आ रहा है, ऐसे में 12 का अपडेट आपको मिल जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर, शायद 2 महीने के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इसमें LPDDR5 रैम मिलेगा, UFS जो कि 3.1 है, भाई बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। ब्लूटूथ जो है इसका वर्जन भी बहुत ही अपडेटेड है, 3.5 जो है देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा जानकारी आ रहा है। चलते हैं भाई कैमरा भाई और जबरदस्त है। आप सोच रहे हो भाई कितना कैमरा हो सकता है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें चल रहा है 108 मेगापिक्सल की कैमरा। तो ऐसे में 108 मेगापिक्सल की कैमरा जो है मेन होने वाला है, जिसमें सोनी की तरफ से IMX686 लेंस के साथ आएगा, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस जो है देखने को मिलेगा। मुझे लगता है भाई 2 मेगापिक्सल को अभी जो है कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत दिन से 2 मेगापिक्सल चलता आ रहा है। तो ऐसे में 5 मेगापिक्सल जो है अच्छा काम करता है टेलीफोटो लेंस के लिए, जो अच्छा काम करता है, तो मुझे लगता है भाई इसको यूज करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं भाई बैटरी, इसमें बैटरी तो खास होना चाहिए। तो बैटरी 5000 एम्पीयर की बैटरी होगा और साथ ही साथ 33 वाट का फास्ट चार्ज आपको मिलने वाला है। वेरिएंट जो है कुछ निकाल के आया है, उसी हिसाब से एक वेरिएंट के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आपको 8GB 128GB इसका प्राइस लगभग जो है तकरीबन 37,000 रुपीज तक जा सकता है, क्या हो सकता है। तो ऐसे में 37,000 रुपीज जो है इसको देके खरीदना पड़ेगा। तो अभी डिवाइस कैसा लगा आपको मुझे बताना है कमेंट्स करके, लाइक करना है, शेयर करना है। और एक चीज बता दूं, ये फोन जो है लॉन्च होने वाला है, अभी तो लॉन्च नहीं होने वाला है क्योंकि इस साल तो लॉन्च नहीं होगा, तो अगले साल की जो है दिसंबर जनवरी फरवरी
इस तरह से देखने को मिल सकता है जनवरी या फरवरी। अभी कंफर्म रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन आया है वो कंफर्म हो चुका है। तो ऐसे में आप अगर वीडियो पसंद लग रहा है, आपको लग रहा है भाई वीडियो को पसंद करना चाहिए, देखना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए, सही है गलत नहीं है, तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट्स करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।